हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हाजिर है आपके सामने प्रकाश का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। आज हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमने आपको पूर्व के वीडियो में परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रखा है। जो स्टूडेंट लोग नहीं देख पाए हैं, कृपया प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में विजिट करें और उसे देख करके अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो उसको क्लियर करें। तो चलते हैं आज के वीडियो में आगे की ओर और पढ़ते हैं आज कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। तो कभी आप लोग ये देखे होंगे कि जब बारिश के बाद में, जब आसमान में कुछ बारिश के बाद कभी कभी आपको इंद्रधनुष देखने का मौका मिल जाता है। और जब आप इंद्रधनुष को देखते हैं तो आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। तो आखिर वो 7 रंग आया कहाँ से, ठीक है? तो देखिए रीजन के पीछे क्या है, उसके पीछे रीजन है प्रकाश का विक्षेपण। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ये प्रिज्म है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। किसमें, कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो रंगों में विभक्त होने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है पर्दे पर, प्राप्त 7 रंगों की पट्टी जो प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो पट्टी प्राप्त हुआ है यहाँ पे लिख लेना है, 7 रंगों की पट्टी। तो ये जो पट्टी है इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम या फिर वर्णक्रम भी इसको बोलते हैं, हिंदी में वर्णक्रम कहेंगे। वर्ण मतलब रंग और क्रम मतलब क्रम मतलब क्या, अनुसार से। तो वर्ण का मतलब रंग, तो रंग का क्रम है ना, तो उसे क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। तो 7 रंगों की पट्टी जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो प्रकाश का विक्षेपण ये हो गया कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें अक्सर डाउट ये रहता है कि स्टार्टिंग जो है ऊपर से रेड से किया जाए या भी से किया जाए। ये बहुत डाउट होता है कि ऊपर में भी से शुरू किया जाए या आर से शुरू किया जाए। तो इस डाउट को दूर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, भी बराबर एन इंटू लेमडा। अब आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो भी लिखा है ये क्या है। तो यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है वह प्रकाश का वेग है। क्या है? प्रकाश का वेग है। और एन जो लिखा है वो क्या है? एन जो लिखा है वह है आपका आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा मात्रक आपको हम जब ऐसा यूनिट पढ़ाए थे तब उस समय बता रखे हैं कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट को आवृत्ति का ऐसा मात्रक पता है वो हमें कमेंट में जरूर लिख करके बताएंगे। तो यहाँ पर एन जो है आवृत्ति होगा और ये है लेमडा। तो यहाँ पर जो लेमडा डिनोट कर रहा है वह तरंग दैर्घ्य को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है, वेवलेंथ। वेवलेंथ कुछ नहीं होता, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस क्या है वह एक छोटा सा लेंथ होता है। वेव जब जनरेट होता है तो उसका कुछ ना कुछ लंबाई होता है, और लंबाई होता है बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा लंबाई होता है, तो उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो यहीं से पता चलेगा कि आपके ऊपर में सबसे पहले आर आएगा या भी आएगा। तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ पता चल रहा है भी इक्वल टू एन लैम्डा से कि भी जो है यानी वेग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज़ बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब अगर ज़्यादा वेवलेंथ है तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य में अगर हम लाल रंग का बात करें तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा 7 रंगों में, 7 रंगों में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो रेड कलर यानी लाल रंग का होता है। तो अगर लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा उसका चाल होगा। और जब ये प्रिज्म के सरफेस से पार होगा तो क्या होगा? जो लाल रंग है ना वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, इसलिए सबसे पहले कौन पहुँचेगा? तो जिसका ज़्यादा स्पीड रहेगा वो सबसे पहले पहुँचेगा। इसी वजह से रेड जो है सबसे पहले आता है और जो बैगनी कलर है, वायलेट है, वो सबसे
नीचे आता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे नीचे आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे रंगों का वेवलेंथ लिख रखा है। बैगनी है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो उसका वेवलेंथ 400 से लेकर के 440 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये जो लिखा हुआ है 400 से 440 या नैनोमीटर के यूनिट में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस यूनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये वेवलेंथ में अगर ये एंगस्ट्रॉम में चेंज हो जाए तो फिर आपको ये क्या हो गया वैल्यू यहाँ पे जीरो क्या हुआ चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर जब आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो यूनिट क्या लिखा हुआ है, नैनोमीटर लिखा हुआ है या एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल जो हमने आपके यूनिट लिखा है वो नैनोमीटर में लिखा है। ये सब क्या है, तरंग दैर्ध्य है। किसका तरंग दैर्ध्य, 7 रंगों का ये तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य 400 से 440, जामुनी का 440 से 460 और नीले का है 460 से 500, हरे का जो तरंग दैर्ध्य है वो 500 से 570 नैनोमीटर, और पीला रंग येलो 570 से 590 नैनोमीटर, नारंगी का है 590 से लेकर के 620 नैनोमीटर, और लाल रंग का है 620 से लेकर के 700 नैनोमीटर। तो इस बात का पूरा से पूरा ध्यान रखें कि ये जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे नैनोमीटर में लिखा हुआ है। और ये है आपका प्रिज्म। अगर प्रिज्म का शेप का ये जो ट्रायंगुलर शेप में आप जो देखते हैं ना, ये आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाया हुआ होता है। एक्चुअली में अगर इसको पूरी तरह से देखा जाए तो प्रिज्म जो होता है वह 3D शेप में होता है। 3D शेप कहने का मतलब है कि वह लंबाई चौड़ा के साथ ऊंचाई भी उसमें होगा। अगर केवल लंबाई चौड़ा हो तो 2D, लंबाई चौड़ा ऊंचाई हो तो 3D। इसमें देखिए प्रिज्म इस तरह का होता है, अगर जैसा उसका बॉटम व्यू होगा वैसा ही उसका टॉप व्यू होगा। अगर सामने से देखने पे ट्रायंगुलर शेप का है तो ऊपर भी उसका ट्रायंगुलर शेप ही होगा। अगर स्क्वायर है टॉप बॉटम में तो टॉप व्यू भी क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। जैसे कि आपका ये जो कमरा है ना, कमरा वो भी एक तरह से प्रिज्म ही है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जैसा इसका बॉटम व्यू है वैसा इसका टॉप व्यू भी होता है। इस वजह से कैमरा जो आपका रूम है वह भी एक प्रिज्म का ही उदाहरण है। तो ये ना सोचे कि सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म ऐसा ही होता है, प्रिज्म ऐसा भी होता है, प्रिज्म ऐसा भी होता है। और हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख के रखा है कि प्रिज्म, नाइकोल प्रिज्म एक एग्जांपल है प्रिज्म का, स्पेशल का टाइप का इमेज है। और यहाँ पर जो एंगल लिखा बना हुआ था वो बहुत ही मिनिमम एंगल होता है, 10 डिग्री 12 डिग्री इसके आसपास एंगल यहाँ पे होता है। तो ये है आपका वर्ग विक्षेपण। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करने वाला है वो है ये फॉर्मूला। इस पर आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये याद कर लेना है। अब चलते हैं आगे कि इसमें किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक हो रहा है, किस रंग का विक्षेपण कम हो रहा है। और एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन वीडियो का अपडेट का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको तुरंत मिल जाए। देखिए लाइट जो था जब यहाँ से इस तरह से चल रहा था और ये प्रिज्म के अंदर गया और ये बाहर आया, तो लाइट क्या हुआ, यहाँ से जो जा रहा था वो इधर मुड़ गया है। तो अगर ये इधर की तरफ नहीं गया होता तो एक्चुअली में ये जो है लाइट वह इस तरह से गया हुआ होता, इस तरह से गया हुआ होता, पर वो यह इसका क्या होता, यह उसका वास्तविक पथ ये होता अगर इधर नहीं गया होता तब। लेकिन आप देख रहे हैं कि लाइट जो है इधर ना जा करके वो इधर मुड़ गया है। तो देखिए एक्चुअल लाइन से ये कितना डिग्री बना रहा है। तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन होता है इसी को कहते हैं डेविएशन। उसके बाद जो सबसे अधिक डेविएट हुआ है ये रेड है ना, इसको रेड कर लेंगे, और ये जो है वायलेट के लिए है, बैगनी के लिए है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे लाल रंग का विक्षेपण, ठीक है, लाल रंग का विक्षेपण, तो लाल रंग तो यहाँ पे मिल गया, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है।
लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसका होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, इस एग्जाम में पूछा जाते हैं। और इससे सबसे पहला बात, इसमें और भी इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, उस इस घटना के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो आपको नाम याद रखना है सर आइजक न्यूटन का। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो थ्योरी है, किसके द्वारा दिया गया? आइजक न्यूटन के द्वारा। आइजक न्यूटन। इसमें अगर आप एक बात और भी ध्यान रखा जाए कि अगर आपसे ये पूछे कि इन सारे रंगों में हमारे नेत्र के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन रंग है, हमारे नेत्र में अगर सभी को रंगों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन सा रंग है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो रंग होता है वह येलो कलर का होता है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो कलर है वह येलो कलर का है। इसी वजह से आप बस, जो भी स्कूल बस होते हैं उनके बॉडी को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे वह येलो कलर से पेंट किया हुआ होता है। इसलिए पेंट किया हुआ रहता है ताकि वो जैसे ही हमारे नेत्र से पास होवे या कुछ दूरी पर भी रहे तो हम उसको गौर कर लेते हैं, क्योंकि वह जो कलर है येलो कलर वो ज़्यादा संवेदनशील है हमारे नेत्र के प्रति। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जाने कि होता क्या है। तो डेफिनेशन होगा कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म, छोटे छोटे एवं अति सूक्ष्म कण उपस्थित हो तो प्रकाश उनसे टकरा कर बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। मतलब कि मुख्य जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? छोटे छोटे कण से टकरा कर प्रकाश का बिखरना, तो यही है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का इसमें मुख्य बात आगे अगर देखें तो प्रकाश का प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकीर्णन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको अक्सर सवाल पूछे जाएंगे, प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग जो होता है वह तरंगदैर्ध्य क्या है, ये तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए
व्युत्क्रमानुपाति का मतलब होता है कि अगर कोई चीज बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज है वो घटेगा, इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाति। व्युत्क्रमानुपाति, अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज लिखा हुआ है वह क्या होगा, घटेगा, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाति। तो यह जो रिलेशन है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो यह जो दिया गया साइंटिस्ट है लॉर्ड रेलिंग, तो ये ध्यान रखेंगे लॉर्ड रेलिंग के द्वारा यह दिया गया कि प्रकीर्णन जो होता है वह तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब जब भी कोई खतरे का निशान दिखाना हो या फिर ट्रैफिक सिग्नल में जो लाइट हम लोग यूज करते हैं वह रेड कलर यूज करते हैं, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? तो देखिए, आपको पता है कि जो रेड कलर है, जो लाल रंग है, उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। अगर ये सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रकीर्णन है वो क्या होगा, कम जाएगा। प्रकीर्णन कम होने के कारण, प्रकीर्णन का कम होने का क्या मतलब है, प्रकीर्णन के कम होने का मतलब है कि प्रकाश का बिखराव जो होगा वह कम होगा, और प्रकाश का बिखराव अगर कम होगा तो वह कम फैलेगा। अब कम फैलेगा तो क्या होगा, वह एक पॉइंट पर पूरा जमा हुआ नजर आएगा। अब अगर कोई चीज़ जमा है और कोई चीज़ बिखर रहा है तो बताइए, दूर से जो जो चीज़ जमा है उसको ज़्यादा देखना आसान है कि जो बिखर रहा है उसको देखना आसान है? तो दूर से जो चीज़ जमा है उसको देखना ज़्यादा आसान है। तो यही कारण है कि खतरे के निशान को दिखाने के लिए या ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से भी आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो अगर आपसे पूछे सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा, और वेवलेंथ कम कौन है, बैगनी। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो फिर सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल रंग का। अब इसी घटना पर आधारित है कुछ इंसिडेंट, घटनाएं आधारित है जो प्रकीर्णन पर आधारित होते हैं। तो आइए हम लोग उसको नोट कर लें कि कैसी कौन कौन सी घटना है जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। ये सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम पिछले प्रीवियस ईयर के एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन पुनः रिपीट होंगे। आप लोग इसे जरूर से जरूर कंठस्थ कर ले, तो याद कर ले, रट ले, जिस तरह से भी रटे। ऐसे तो हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपको एक बार अगर देख ले तो याद हो जाएगा। तो देखिए, प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं देखते हैं। प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकीर्णन पर आधारित है? तो देखिए, सबसे पहले होगा कि ट्रैफिक सिग्नल और डेंजरस प्लेस, खतरनाक जगहों को क्या करने के लिए, सूचित करने के लिए किसका, लाल रंग का प्रयोग ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल या डेंजरस प्लेस को सूचित करने के लिए लाल रंग का प्रयोग होना, लाल रंग का प्रयोग होना, ये सब इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसमान का रंग नीला होना, और ये देखते हैं अभी कभी देखो सूर्यास्त या सूर्योदय
सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, मतलब कि अभी सूरज सुबह में उगा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो रेड कलर का जो आभास होता है वो हमें आसमान में दिखाई देने लगता है ना। तो सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद, आसमान में लाल रंग की उपस्थिति होना, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं हैं। आसमान का रंग, नीला होना, ट्रैफिक सिग्नल, सूर्योदय से पहले आसमान में लाल रंग का उपस्थिति होना, तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। तो ये सभी आप चीजों का ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं परावर्तन के बाद अपवर्तन में। आपसे हम अपवर्तन वाले टॉपिक जब क्लियर किए थे तो आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो आइए हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 10 सेंटीमीटर वास्तविक ऊंचाई वाले, 10 सेंटीमीटर वास्तविक ऊंचाई वाले ग्लास में एक द्रव को रखने पर उसका तल 2.5 सेंटीमीटर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये ग्लास है और इसका वास्तविक ऊंचाई दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपको उठा हुआ कितना प्रतीत हो रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर ये आपको उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है। तो जब आपको हम फॉर्मूला लिखाए थे अपवर्तनांक का, तो आपको बताए थे कि वास्तविक गहराई लेना है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको बताए थे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ वास्तविक गहराई डिवाइड में आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई। तो देखिए इसमें तो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर उसका वास्तविक ऊंचाई है, ठीक है, और ये x उसका आभासी ऊंचाई कितना है। तो देखिए ये नीचे से दिख रहा है ये कितना उठा हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि ऊपर से देखने पर कितना ये आभास हो रहा होगा। तो आप ये देखेंगे कि ऊपर से देखने पर ये आपको 10-2.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर ये उठा हुआ प्रतीत हो रहा होगा। तो हमको आपको आभासी ऊंचाई यही ले लेना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, अगर हटाया जाए तो ऊपर हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका मतलब कितना गया, 4/3। और आपको पता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.33। आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताइए द्रव जो भरा है वह क्या है, तो यहाँ पता चल गया 1.33 किसका अपवर्तनांक होता है, 1.33 तो ये पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। इसका मतलब इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का चाल कितना होगा, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम में प्रकाश का चाल कितना होगा। तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है 4/3 माध्यम वाला अपवर्तनांक, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ऐसे सवालों के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे कि ऐसे कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला लगाया जाएगा, अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपसे ये भी पूछा, तो
तो वी इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। आपको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको सी का वैल्यू आपको याद रखना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ले लेंगे 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये 4/3 है, 4/3, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 9/4 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड लगा देंगे तो हो गया 4×8 एक, फिर से 4×8 और 4×5 20, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड होगा उस माध्यम में प्रकाश के चाल। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा गया था, और आपसे पूछा गया था कि दिए गए अपवर्तनांक में प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसका होगा। आपके सेव क्या दिया हुआ था, कुछ अपवर्तनांक का वैल्यू दिया हुआ था, अपवर्तनांक का वैल्यू दिया हुआ था, कौन कौन अपवर्तनांक का वैल्यू दिया हुआ था, जैसे कि एक दिया हुआ था क्वेश्चन में 2.42 दिया हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि मतलब कि दूसरा अपवर्तनांक दिया हुआ था 1.001, और लिखा हुआ था 1.5, और एक और दिया हुआ था 1.36। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ था, और पूछा गया था इसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होगा। तो देखिए आपको भी बता रखे हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक अपवर्तनांक जो होता है उसका फॉर्मूला C/V। तो यहाँ से दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V है, और भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R आएगा। मतलब कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक जितना होगा, वेलोसिटी का मान क्या होगा उस माध्यम में, प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। तो आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, सबसे अधिक प्रकाश का चाल पूछा गया था, पूछा क्या गया था, सबसे अधिक प्रकाश का चाल पूछा गया था, सबसे अधिक प्रकाश का चाल पूछा गया था। तो हमें क्या करना, सबसे अधिक प्रकाश का चाल करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होना चाहिए। तो किसमें कम होगा, तो 1.001, इस प्रकाश का सबसे अधिक प्रकाश का चाल 1.001 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होगा। अगर पूछता कि बताए कि सबसे अधिक मतलब कि सबसे अधिक सघन माध्यम इसमें से कौन है, सबसे अधिक सघन माध्यम कौन है, तो सघन माध्यम में ध्यान रखना है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वह उतना सघन माध्यम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का है, तो सघन माध्यम भी वही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।